तो दोस्तों, आज हम जिस रेशो या पैरामीटर के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो एक ऐसा रेशो है कि जो अगर सही ना हो तो किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है। तो दोस्तों, उस रेशो का नाम है डेट बाय इक्विटी रेशो। और इस रेशो को हम आज अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि डेट बाय इक्विटी रेशो क्या होता है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर किसी कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो खराब है तो उस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और एज ए इन्वेस्टर डेट बाय इक्विटी रेशो चेक करके हम अपने पैसे को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस करना चाहती है या उस बिजनेस को ग्रो करना चाहती है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब पैसा जो होता है उसको रेज करने कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक के पास जाए और वहाँ से लोन ले ले, या फिर वो अपने जो कंपनी है उसकी कुछ हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को बेच दे। तो जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या बॉन्ड्स के थ्रू अपना पैसा रेज करती है तो हम उसको बोलते हैं डेट या डेट फंडिंग, और जब कंपनी अपने शेयर्स बेच के किसी इन्वेस्टर से पैसा लेती है उसको बोलते हैं इक्विटी फंडिंग। तो इस तरह से कंपनी का जो भी टोटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, डेट और इक्विटी, और उसी का रेशियो आज हम समझेंगे। तो डेट बाय इक्विटी रेशियो में क्या हो गया कि डेट को हम उसके इक्विटी से डिवाइड करेंगे। कंपनी ने टोटल कितना डेट लिया हुआ है वो उसको हम टोटल इक्विटी से डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम डेट बाय इक्विटी रेशियो। इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास टोटल कैपिटल है 3 लाख रुपये, उसमें से 1 लाख रुपये का उन्होंने डेट लिया हुआ है और 2 लाख रुपये अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो डेट बाय इक्विटी रेशियो हो गया 1 लाख/2 लाख, यानी कि 0.5। और वहीं अगर हम इसको उल्टा कर दें कि 3 लाख की कैपिटल में कंपनी ने 2 लाख रुपये का लोन लिया हुआ है और 1 लाख रुपये खुद का इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनका डेट बाय इक्विटी रेशियो हो गया 2/1, यानी कि 2, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो सही डेट बाय इक्विटी रेशियो होता है जिन कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो होता है 0.5। और इस रेशियो को भी हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट लगता है, www.screener.in पे जाके हम इसको चेक कर सकते हैं और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब बात आती है कि डेट बाय इक्विटी रेशियो से हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि डेट बाय इक्विटी रेशियो 0.5 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो अगर डेट बाय इक्विटी रेशियो कम है तो उसका क्या मतलब है कि कंपनी ने लोन कम लिया हुआ है, और अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब कंपनी ने लोन ज़्यादा लिया हुआ है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है कि अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेके अपना बिजनेस करती है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कंपनी लोन लेती है तो लोन के साथ में परेशानी ये आती है कि कंपनी को उस पैसे के ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और साथ साथ जब उस लोन की टर्म पूरी हो जाती है तो वो पैसा भी कंपनी को वापस करना पड़ता है, तो अपने बिजनेस में से लगा लगाया पैसा वापस निकाल के देने में भी कंपनी को कई बार प्रॉब्लम आती है। और वहीं जब किसी कंपनी में स्लो डाउन आ जाता है, जैसे कि अब कोरोना वायरस के केस में हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आ गया, काफ़ी टाइम तक उनकी सेल्स भी नहीं बढ़ रही थी, प्रॉफिट भी नहीं आ रहे थे, तो उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है जिन्होंने ज़्यादा लोन लिया होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है और कई बार पैसा भी पे करना पड़ता है, तो कंपनी उसकी वजह से कोलैप्स हो जाती है और बहुत सारी कंपनियां दिवालिया भी हो जाती हैं। वहीं इक्विटी फंडिंग में क्या होता है कि इक्विटी फंडिंग में अपनी हिस्सेदारी कंपनी बेच देती है, जब कंपनी ने हिस्सेदारी बेच दी तो उसको वो पैसा वापस नहीं करना होता है, और वो पैसा भी कैसा होता है, वो पैसा उनको इंटरेस्ट फ्री होता है, यानी कि उनको कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना है। साथ में क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी शेयर करती है शेयर होल्डर के साथ में, अगर लॉस होता है तो लॉस भी शेयर करती है, लेकिन इंटरेस्ट के केस में वो बैंक के साथ अपना लॉस शेयर करके या उनको बोल के हमारा लॉस हो गया हम आपको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम आती है तो और दिक्कत आती है कि पैसा नहीं है, कंपनी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो वो चाहती है मैं और लोन ले लूँ, तो वो लोन भी नहीं मिल पाता है उनको। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही काफ़ी सारा लोन लिया होता है। और वहीं इन्वेस्टर भी ऐसी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पे पहले से काफ़ी डेट हो। तो इस तरह से जो हाई डेट वाली कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं और कई बार प्रॉब्लम आने की वजह से पूरी पूरी कोलैप्स हो जाती हैं। तो इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके दोस्त रिश्तेदार जो बैंक से लोन लेके अपना घर खरीदते हैं, और लोन भी कैसा 80% 90% का बिल्कुल हाई लोन, बहुत मिनिमम पेमेंट करते हैं, और जब कभी उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी की नौकरी चली गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं
कि एक तो सैलरी आना बंद हो गया और इंटरेस्ट पे करना ही है, ईएमआई पे करनी है, तो जब उनको ज़्यादा टाइम तक प्रॉब्लम आती है लोन के लिए तो कई बार उनका घर जो है वो बैंक वाले आके कब्जा कर लेते हैं, या फिर मजबूरी में उनको वो जो घर है अपना वो कम दाम में बेचना पड़ता है। तो ऐसा ही कंपनी के साथ होता है कि जब कंपनी अपने टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो क्रेडिटर्स बहुत बुरा हाल कर देते हैं कंपनी का और सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए डेट बाय रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे रेशोज बाकी एक तरफ, ये वाला एक तरफ, हमें बिल्कुल चेक करना है कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है, क्या डेट बाय रेशियो है, क्या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है। और इस तरह से हम अलग अलग कंपनी को डिसाइड कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं डेट बाय रेशियो से और चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनी के साथ हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से वही मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक मिनट का काम है रेशियो चेक करना और इससे हम काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आने से बच सकते हैं और अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।